प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल, मैं अपने यूट्यूब चैनल दीप विज्ञान गंगा पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ जीरंड। आज हम जीरंड पढ़ेंगे, जो कि अंग्रेजी की जो ग्रामर है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है जीरंड का। जीरंड जो है क्या होते हैं इसके विषय में जानेंगे। जीरंड वर्ब की, वर्ब में आई एन जी जोड़ने से जीरंड बनते हैं। एक्चुअली जीरंड जो होते हैं बिल्कुल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही होते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जीरंड नाउन का कार्य करते हैं। ये नाउन तो सभी कार्य करते हैं जो नाउन का कार्य होता है, जैसे कि सब्जेक्ट टू वर्ब, किसी वर्ब की सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब की बिल्कुल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, या ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, किसी कॉम्प्लीमेंट अपनी वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। सर पहले जान लें कि जो जीरंड होते हैं वर्ब में आई एन जी जोड़ने से बनते हैं, और इनका हिंदी में जो अर्थ होता है वो क्रिया के आगे ना लगे, टहलना, पढ़ना, मतलब सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं। जैसे अब हम सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं कि हम जीरंड का उपयोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसको क्या टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसका होगा कि वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। दूसरा, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका क्या होगा टू स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे सोना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे सोना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसमें क्या जीरंड क्या है, सोना मतलब स्लीपिंग एट लीस्ट 6 आवर ए इज अ करेंट, स्लीपिंग एट लीस्ट 6 आवर अ डे इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। किसके लिए आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जीरंड को हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे रखते हैं, इसको देखें कि ऑब्जेक्ट किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ, इसका होगा मैं संगीत आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। वह धुआं खेलने से नफरत करता है, वह धुआं खेलने से नफरत करता है, इसका हो गया ही हेट्स गैम्बलिंग। क्या करता पसंद करता है, नफरत करता है, गैम्बलिंग। बच्चे गुड़िया बनाना पसंद करते हैं, बच्चे गुड़िया बनाना पसंद करते हैं, तो इसमें क्या आपका जीरंड क्या है, बनाना, क्या बनाना, गुड़िया, मेकिंग डॉल्स क्या है। तो बच्चे क्या पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, चिल्ड्रन लाइक लव क्या, मेकिंग डॉल्स। सिपाही ने घूस लेना कबूला, कौन कबूला, सिपाही, तो क्या कांस्टेबल एडमिटेड, क्या कबूला, घूस लेना, मतलब कि टेकिंग ब्राइब। इसी प्रकार जीरंड का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जैसे मैं काफ़ी पीने का शौकीन हूँ, आई एम फंड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी, वह गाड़ी चलाने में अच्छा है, क्या हो जाएगा, ही इज गुड एट ड्राइविंग, उसे जुआ खेलने की लत है, क्या हो जाएगा, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। इसी प्रकार रितिका पत्रकार बनने की को सोच रही है, क्या सोच रही है, पत्रकार बनने को सोच रही है, इसका क्या हो जाएगा, रितिका इज थिंकिंग ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट। इसके बाद जीरंड का प्रयोग हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में कर सकते हैं, किसी भी वर्ब की कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आप जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरा मुख्य शौक कविता लिखना, यहाँ लिखना जीरंड, जीरंड क्या है, जिसके रूप में ना आता है, क्या हो जाएगा, माई चीफ, मेरा मुख्य शौक, माई चीफ हॉबी इज राइटिंग या कंपोजिंग पोएम, कविता लिखना। और ईशा को मुख्य आनंद चित्र विद्या में, किसको, ईशा का मुख्य आनंद, जैसे ईशा चीफ लेना, इज क्या है, पेंटिंग, मेरा प्रिय कार्यकलाप है पढ़ना, मेरा प्रिय कार्यकलाप क्या है, पढ़ना, लिखना, संगीत सुनना, तीनों क्या जीरंड की तरह की जा रहे हैं, कि माई फेवरेट एक्टिविटीज, माई फेवरेट एक्टिविटीज आर क्या, रीडिंग, क्या क्या है, रीडिंग, राइटिंग
और लिसनिंग म्यूजिक। मुझे सबसे अधिक घृणा शराब पीने से। इसका क्या होगा कि क्या है व्हाट आई मोस्ट डिसलाइक, या क्या है जिसे हम सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं। व्हाट आई मोस्ट डिसलाइक इज ड्रिंकिंग, क्या है ड्रिंकिंग। तो जीरण के कई बार नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर कोई नाउन किसी हम जीरण का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या कहते हैं कि पॉजिटिव केस में प्रयोग होगा। किस में प्रयोग होगा, पॉजिटिव केस। जैसे मैं लता मंगेशकर के गायन की प्रशंसा, मैं लता मंगेशकर की गायन सिंगिंग जो कि धीरण है, क्या हो जाएगा आई अप्रिशिएट लता मंगेशकर, लता मंगेशकर सिंगिंग। आगे लिख सकते हैं कि उसने अपना दिल्ली जाना स्थगित कर दिया, उसने अपना दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। क्या हुआ, ही पोस्टपोन्ड हिज गोइंग दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। तो बच्चों ये धीरण के विषय में देख के आपको वीडियो कैसा लगा ये अपना कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे भी थोड़ा सा इसकी सलाह दें कि वीडियो में जो भी कमियां हो या जो भी आपको जैसे भी लगा हो उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर इस तरह की वीडियो आपको और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आपने मेरी वीडियो अब तक देखी इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट लास्ट। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।